कपड़े के दो रेक्टेंगल पीसीस लिए हैं, मेन फैब्रिक जिसमें से आपने बनाना हो और अंदर के लिए लाइनिंग, तो टू पीसीस लिए हैं। कॉटन का कपड़ा कोई भी कपड़ा हो आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो टू पीसीस ये हैं। और इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से मैं फॉर्म शीट यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो कोई भी ओल्ड टॉवल है, कोई पुरानी पैंट है, उसका एक पीस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीच में मैंने फॉर्म शीट रखी, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट, और उसके ऊपर मैंने ये दूसरे वाला पीस रखा इस तरीके से। सबसे पहले इसे सिलाई लगा के क्विल्ट करके रेडी कर लीजिए। तो मैंने इस पे सिलाई लगा ली, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट, ऊपर कपड़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और इस पे सिलाई लगा ली। अब इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको, मैंने किस हिसाब से लिए हैं। ये मैंने लिया है पीस, जैसा मैंने आपको बताया, 6 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। अब ये रेक्टेंगल पीस आपको किस तरीके से लेना है, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली दो लेने हैं। एक तो आपको विड्थ लेनी है, इसकी विड्थ कितनी लेनी है, यहाँ से आपको नापना है जो आपका वाइडेस्ट है। ये मेरा 5 इंच आ रहा है, तो उसमें सीम अलाउंस ऐड करना है 1 इंच का, 6 इंच। तो इसकी विड्थ मैंने ली है 6 इंच। और ये लंबाई आपको कैसे लेनी है, जितनी भी यहाँ से आपको ओपनिंग चाहिए, स्टिचिंग में भी आएगा, इस तरीके से रखते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ पे, तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट 18 इंच आ रहा है। तो 18 इंच जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर लेंगे। तो इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो मैंने ली है 18 इंच। तो इस तरीके से हमें टू पीसेस चाहिए, एक से हमारा 1 फुट बनेगा, एक से 1 बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसे शेप दे दें, हमें इसे फोल्ड करना है यहाँ से जो हमारी ओपनिंग थी अप्रॉक्सीमेट 6 इंच, 6 इंच पे मैं इसे यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से आएगा, ये मैंने शेप कटिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा ली, मैंने सिलाई लगा ली यहां पे भी, यहां पे भी। अब हमें यहां पे अंगूठे के लिए निशान लगाना है, तो यहां पे इस तरीके से अंगूठा रखना है, इस तरीके से हल्का सा लूज पॉइंट छोड़ते हुए यहां पे हम अंगूठे का निशान लगा लेंगे। तो पहले एक निशान स्ट्रेट लगा लेती हूं मैं, इस तरीके से रखना है। देखिए आपको यहां पे मैंने ये इस तरीके से निशान लगा लिया कि मुझे कहाँ तक चाहिए। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से आपको गोलाई में सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से, इस सिलाई पे हम स्टिच करेंगे, बाद में हम कटिंग करेंगे। तो इस सिलाई पे ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा लीजिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। अब हम इसे सीधा करके एक बार डाल के देख लेते हैं इसका नाप कैसा आया है। सीधा कर दिया, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा अंगूठे वाला पोर्शन बन गया। अब पहले हम इसे डाल के देख लेते हैं, अगर इस टाइम लूज है या साइडों से तो आप अंदर की तरफ से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इसे एक बार डाल के देख लेती हूँ इस तरीके से, तो ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, लूज नहीं है। अगर आपकी यहां से लूज आती है इस टाइम पे तो अंदर की तरफ से आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसका नाप ले लेते हैं इस तरीके से रखते हुए, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक सिलाई वाला निशान लगा लेते हैं, ये हमारी इस पर सिलाई आएगी। तो इस निशान से थोड़ा सा हटके हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग का निशान लगा लिया, अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा स्टिचिंग का निशान था, इसे थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगनी है तो थोड़ा सा छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए, तो ये हमारी एक पैर की बन गई। जैसे ये बनी है ऐसे हम दूसरे पैर की भी कटिंग कर लेते हैं, पीस पे रख के दूसरे पैर का भी कट कर लेते हैं। तो मैं इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेती हूँ पहले, मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब ये दूसरे वाला पीस ले लेते हैं, दूसरे पैर का, इसी को रख के हम कट कर लेंगे। ये रखा, इसे इस तरीके से पलटते हुए हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ये 6 इंच पे मैंने बंद किया हुआ है, यहाँ पे रखेंगे और इसे जो भी एक्स्ट्रा है इसी शेप में हम कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया। अब पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं, सेम यहां से लेके अंगूठे वाले साइड से लेके
पूरा इस कॉर्नर तक इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे तो ये हमारे दोनों पैरों की रेडी हो जाएगी। था अब हम यहाँ पहले साइडों पे सिलाई लगा लेते हैं और फिर हम इसे ऊपर से फिनिश करेंगे। तो यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए इस पे भी, और सेम उसी तरीके से इसे भी फोल्ड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दो ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी और इस पे भी। अब इन दोनों को सीधा कर लीजिए। ये मैंने इस तरीके से दोनों को सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ऊपर वाली तरफ है इस पे हम पूरे पे पाइपिंग लगाएंगे, यहाँ से लेके राउंड में पूरा पाइपिंग से इसे फिनिश करेंगे, इसे भी और इसे भी। तो पाइपिंग से फिनिश करने के लिए देखिए, इस तरीके से मैंने बायस में पट्टी ली है, ये मैंने ली है 1.5 इंच की। अब आपको करना क्या है, एक तरफ से हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसे रखेंगे और पूरा राउंड में इस तरीके से घुमाना है इसे। यहाँ पे हमारा जोड़ आ गया, फिर हम इसे इस तरीके से यहाँ को घुमा लेंगे, फिर ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाते हुए जहां से हमने सिलाई शुरू की थी वापस यहीं तक पूरा राउंड में हम इसमें पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो यहां से शुरू करेंगे, वापस गोल घुमाते हुए हमें यहीं तक पाइपिंग को लगाना है। तो इस तरीके से मैंने पट्टी ले ली, एक तरफ से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखा जोड़ के पास साइड वाले में, और इसे गोल घुमाते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो जब ये पट्टी लगाएंगे तो इसे हल्का सा आपको इस तरीके से स्ट्रेच करके लगाना है, तो पाइपिंग आपकी अच्छे से लगेगी। तो इसे इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेच करते हुए लगाएंगे, इसे नहीं। पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर को इस तरीके से फोल्ड करना है, तो हमारे रफ एजेस भी क्लोज हो जाएंगे, वन फोल्ड, और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो देखिए हमारी पट्टी सी बन जाएगी, इस पे पूरे पे राउंड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, जैसे पाइपिंग से फिनिश किया था मैंने दूसरा पैर भी कर लिया। तो देखिए दोनों हमारे ये बूट, अंगूठे वाले बूट बिल्कुल रेडी हो गए, देखिए इस तरीके से। तो हमने फॉर्म डाली हुई है, देखिए नीचे की तरफ इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी जोड़ नहीं आता, तो पैर की तरफ कुछ भी चुभने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही जोड़ आता है जो हमारा यहाँ साइडों में आता है इस तरीके से, एक पैर का और एक पैर का। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा अंगूठा वाला बन गया। यहां से ऊपर की तरफ डाल लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा एक पैर का हो गया, देखिए बिल्कुल फिटिंग, और ये हमारा दूसरे पैर का हो गया, यहां से मेरा, ये देखिए इस तरीके से। तो हमारे दोनों पैरों का बन गया, देखिए। तो ये हमारे अंगूठे वाले बूट बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज है।